गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राठौर सर आया हूँ आज लेटर राइटिंग के कुछ टिप्स लेकर के। तो क्या आपको भी लेटर लिखना बहुत डिफिकल्ट लगता है? कोई बात नहीं, आज मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि लेटर राइटिंग आपके लिए बेहद आसान काम हो जाएगा और एग्जाम में आप सबसे पहले लेटर लिख करके आओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लेटर राइटिंग में बच्चों आपको पता होगा कि लेटर दो तरह के होते हैं, ठीक। एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। तो मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में बच्चों आपका फॉर्मल लेटर से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर्स पे बहुत कम। तो फॉर्मल लेटर्स पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि फॉर्मल लेटर्स को लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखें जो हम अच्छे मार्क्स उसमें प्राप्त कर सकें, ला सकें। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, लास्ट तक मेरे साथ बने रहें और मैं गारंटी देता हूं कि जो भी टीचर उसको पढ़ेगा बहुत जबरदस्त नंबर देगा, है ना। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो लेटर राइटिंग में सबसे पहले आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हाउ टू राइट अ लेटर टू एडिटर। उसके बाद जॉब लेटर भी बताएंगे, कंप्लेन लेटर भी बताएंगे। बने रहिए, सारा कुछ धीरे धीरे आपके सामने आता चला जाएगा और आप बहुत अच्छे तरह से फॉर्मेट जो अब मैं बताऊंगा उस फॉर्मेट को आप अप्लाई करेंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से लेटर लिख पाएंगे। ये मैं राठौर सर आपसे वादा करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं अग्रिम कि आप निश्चित रूप से बढ़िया करके आएंगे एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेटर राइटिंग। तो बच्चों आज लेटर राइटिंग की शुरुआत फॉर्मल लेटर से करते हैं और फॉर्मल लेटर में लेटर टू एडिटर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो राइट ए लेटर टू एडिटर। एडिटर होता है संपादक, ठीक है। आपको पता होगा कि फॉर्मल लेटर का मतलब हो गया कि वैसा लेटर जो किसी एडिटर को, प्रिंसिपल को, किसी हाई रैंक पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को लिखा जाए, है ना, पोस्ट या पोजिशन पर बैठे व्यक्ति को लिखा जाए, तो वैसे लेटर को हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं। और इनफॉर्मल लेटर अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने अंकल को, आंट को जो लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती बच्चों, जबकि फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट बहुत मायने रखता है। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे। हम स्टार्ट करना चाहते हैं फॉर्मल लेटर के साथ, लेटर टू एडिटर। आप किसी एडिटर को लेटर कैसे लिखेंगे बच्चों? स्टार्ट कर रहे हैं हम लेटर टू एडिटर। चलिए बने रहेंगे मेरे साथ वीडियो के अंत तक और निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे तरीके से लेटर लिख पाएंगे बच्चों। स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मल लेटर लिखने के लिए प्यारे बच्चों क्या करना है? फॉर्मल लेटर लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास सेंडर्स एड्रेस बहुत जरूरी है। सेंडर्स एड्रेस का मतलब हो गया कि भेजने वाले का एड्रेस, जो भेज रहा है, जो पत्र लिख रहा है, उसका एड्रेस सबसे ऊपर पर होगा और उसका एड्रेस कंप्लीट होने के बाद हम डेट लिखेंगे। और डेट जब हम लिख लेंगे तो एक लाइन छोड़ करके हम रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे, रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे बच्चों। और जब रिसीवर्स एड्रेस को भी लिख लेंगे तो जो सब्जेक्ट है एक लाइन फिर छोड़ेंगे हम लोग, और सब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट का जो मुख्य बात है, जो आप जिन बातों को आप अपने लेटर में डालना चाहते हैं वो सब्जेक्ट लाइन में लिखना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक लाइन आपके पूरे लेटर को डिफाइन करेगा कि आप किस संबंध में, किस मैटर पर अपनी बातों को रखना चाहते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट लाइन, उसके बाद सैल्यूटेशन। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या देना है बच्चों? सैल्यूटेशन देना है। यहां पर दे देंगे हम लोग सैल्यूटेशन का मतलब या डियर मैडम, ठीक है। फिर जो है
सैल्यूटेशन के बाद हम लोग बॉडी ऑफ द लेटर पर आ जाएंगे, है ना, बॉडी ऑफ द लेटर पर। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर के बाद कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग, मतलब आप जो क्लोज करेंगे उसका भी एक सही तरीका होना चाहिए कि क्लोज कैसे करेंगे, है ना। और सबसे लास्ट में एंडिंग द लेटर, है ना, एंडिंग द लेटर। तो हम लोग बच्चों ये इसका बड़ी हो गया, ठीक है, इसको हम लोग इसी तरह से लेटर को लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सेंडर्स एड्रेस आप नोट करते जाइए, फिर क्या है डेट, फिर एक लाइन छोड़ेंगे आप लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट लाइन, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी ऑफ द लेटर, फिर कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग और सबसे आखिरी में एंडिंग द लेटर। तो ये तो फॉर्मेट हो गया। अब मैं आपको बताता हूं लिख करके कि फॉर्मल लेटर और वो भी लेटर टू एडिटर कैसे हम लोग लिखेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसको देते हैं ऊपर। अब हम आपको लिख देते हैं, हम चाहते इसको टाइप भी करवा सकते थे लेकिन हम चाहते हैं कि आप खुद से देखें कि फॉर्मल लेटर लिखना कितना आसान है और कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेंडर्स एड्रेस देते हैं। मान लिया जाए कि सेंडर्स एड्रेस इस प्रकार से है, है ना, वैसे आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि एड्रेस जो है सेंडर का वो कैसे लिखेंगे। तो इस तरह से लिखते हैं, जैसे 53B, है ना, और लिखते हैं ब्लॉक रोड, अब फिर यहां पर लिखेंगे नाथ नगर भागलपुर, है ना, नाथ नगर भागलपुर। फिर जो है डेट डाल देते हैं, डेट आज जैसे है 1 नवंबर 2023, ठीक है। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस डालते हैं, ठीक, एक लाइन छोड़कर रिसीवर्स एड्रेस। मान लिया जाए कि आपने हिंदुस्तान टाइम्स को लिखा है तो यहां पर लिख देंगे द हिंदुस्तान टाइम्स, और जो इसका एड्रेस है मान लीजिए लिख दिया हमने पटना, है ना, बेली रोड, पटना बेली रोड, ठीक है। इतना सा लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे सब्जेक्ट लाइन कि हम किस संबंध में इस लेटर को लिख रहे हैं, क्या हम लोग का मकसद है लिखने का। तो सब्जेक्ट यहां पर लिख देंगे, इस जगह पर लिख देते हैं बच्चों सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम बताएंगे कि किस मैटर पर हम लिख रहे हैं। जैसे कि पिटिएबल मतलब दयनीय होता है, पिटिएबल कंडीशन ऑफ स्मार्ट सिटी भागलपुर, ठीक है, पिटिएबल कंडीशन ऑफ स्मार्ट सिटी भागलपुर। तो बच्चों कोशिश करेंगे आपकी एक लाइन में आपका सब्जेक्ट हो जाए कंप्लीट। उसके बाद जो है हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, सैल्यूटेशन में हम क्या लिखेंगे, डियर सर लिखेंगे या, है ना, मैडम लिखेंगे, डियर सर या डियर मैडम लिख देंगे, डियर सर या डियर मैम लिख देंगे, ठीक है बच्चों। इतना सा करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे किस तरह से, ध्यान देंगे जरा कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर इस्टीम्ड न्यूज पेपर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर इस्टीम्ड न्यूज पेपर आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवार्ड्स द पिटिएबल कंडीशन
पिटिएबल कंडीशन ऑफ स्मार्ट सिटी भागलपुर है ना। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द पिटिएबल कंडीशन ऑफ स्मार्ट सिटी भागलपुर। फिर लिखेंगे कि देयर इज नो प्रॉपर सैनिटाइजेशन इन द सिटी। फिर लिख देंगे बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रखना है। जितना छोटा सेंटेंस आप लिखेंगे गलतियां होने की संभावना उतनी ही कम होंगी। ऐसा नहीं है कि आप बहुत भारी भरकम शब्दों का यूज कर देंगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, आप लंबे लंबे सेंटेंस को यूज कर देंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे बच्चों। तो देयर इज नो प्रॉपर सैनिटाइजेशन इन द सिटी, देयर इज एकदम बिल्कुल सरल भाषा में, देयर इज इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। फिर लिखेंगे कि रेगुलर, या फिर इसमें लिखेंगे कि मर्डर एंड चैन स्नैचिंग आर वेरी कॉमन इन दिस सिटी, वेरी कॉमन इन दिस सिटी है ना। मर्डर एंड चैन स्नैचिंग आर वेरी कॉमन इन दिस सिटी है ना। द सिटी has become the safest place for the criminals है ना। फिर लिखेंगे कि outsider criminals, आउटसाइडर क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स कम एंड स्टे हियर सेफली है ना, एंड स्टे हियर सेफली, आउटसाइडर क्रिमिनल्स कम एंड स्टे हियर सेफली। ठीक है बच्चों, तो यहां तक लिखने के बाद हमने मुख्य बातों को लिख दिया है, फिर इसका हम लोग को क्या करना है, कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग करना है। तो कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे कि ओविंग टू द सीरियसनेस, ओविंग टू द सीरियसनेस ऑफ दिस सिचुएशन, owing to the seriousness of this situation, I request you to, kindly highlight the issue so that, kindly highlight the issue so that some action can be taken है ना। तो ये आपका complimentary closing हो जाएगा। एक line और जोड़ सकते हैं इसमें कि फॉर दिस एक्ट
फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस आई शैल रिमेन हाईली ओब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस आई शैल रिमेन हाईली ओब्लाइज्ड टू यू। तो उसके बाद यहां पर लिख देंगे थैंकिंग यू, है ना, थैंकिंग यू, और फिर लिखेंगे योर्स सिंसियरली। क्या लिखेंगे बच्चों? योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली, और फिर यहां पर कर देंगे हम लोग सिग्नेचर, जो भी नाम है आपका, जैसे रमेश कुमार कोई नाम हो गया तो यहां पर लिख देंगे हम लोग रमेश कुमार। तो बच्चों ये हो गया हम लोगों का क्या, ये हो गया हम लोगों का फॉर्मल लेटर, लेटर टू हम क्या कह सकते हैं इसको, एडिटर। तो प्यारे बच्चों आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपका ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एनर्जी से भर देगा और आगे भी मैं आपके लिए वीडियो इस तरह का बनाता रहूंगा। कमेंट भी करिए कि क्या मुझे और वीडियो बनाना चाहिए या आपको किन और चीजों पर वीडियो की जरूरत है बच्चों, ठीक है। तो आप प्लीज इसको अपने कॉपी में नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेकर के भी लिख सकते हैं। इस तरह से लेटर लिखा जाता है बच्चों। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा इसलिए हो गया क्योंकि लाइन हमने नहीं खींचा, आपके पास मार्जिन होगा, आप मार्जिन को इस्तेमाल अच्छे से कीजिएगा, एकदम बिल्कुल मार्जिन के किनारे किनारे लिखते जाना है। आपको मेरा थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो गया है बच्चों, तो वो मार्जिन के अभाव की वजह से, ठीक है। तो इस तरह से लेटर लिखा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे प्यारे बच्चों।